नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू की व्याख्या करेंगे। आंसू एक विरह काव्य है, गीति काव्य है और छायावाद की एक प्रसिद्ध रचना, क्योंकि जयशंकर प्रसाद हैं वो छायावादी कवि थे, तो आंसू में छायावादी तत्व भी दिखाई देते हैं। छायावाद क्या है? जब आत्मा की छाया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है कि जब आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लग जाए वो छायावाद है। डॉक्टर नगेंद्र ने बोला है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मान है। तो डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद के बारे में कहा है कि एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है। तो जो छायावाद की जो विशेषताएं होती हैं वो आंसू काव्य के अंतर्गत वैसी की वैसी है। आंसू में प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया गया है जो कि छायावाद की प्रमुख विशेषता होती है। छायावाद एक आत्मनिष्ठ गीति काव्य है। छायावाद में प्रतीकात्मक, ध्वन्यात्मक, संगीतात्मक और कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया है। छायावाद में प्रेम सौंदर्य भावना का वर्णन किया गया है, मानवीकरण किया गया है। तो ये सभी विशेषताएं छायावाद की हैं और उन्हीं विशेषताओं को लेकर जयशंकर प्रसाद ने आंसू नामक एक विरह काव्य की रचना की। आंसू प्रसाद जी का एक विरह काव्य है। इस काव्य में प्रेम सौंदर्य मिलन और वियोग की व्यक्तिगत अनुभूतियों का मार्मिक वर्णन हुआ है। प्रस्तुत काव्यांश में वेदना की असीम गर्जन है और करुणा में हृदय में विकल रागनी निरंतर बजती है। जीवन के दुखमय क्षणों में कवि के मन में अतीत प्रेम की स्मृति जाग उठती है और जो बीते हुए क्षण हैं उनके लिए रुदन या क्रंदन करना व्यर्थ बताता है। कवि ने प्रेम की इस वेदना को लाक्षणिक शब्दावली और छायावादी शैली में व्यक्त किया है। लाक्षणिक शब्दावली मतलब हमारे तीन शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में तो मुख्य अर्थ में कोई बाधा नहीं होती और सीधे सीधे बात हमारी समझ में आ जाती है, लेकिन जो लाक्षणिक शब्दावली होती है वो क्या होती है कि मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होकर रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर संबंधित अर्थ को लक्ष्य किया जाता है। जैसे कि मुंह पर ताला लगा लो, तो मुंह पर ताला तो लगेगा नहीं, लेकिन ये एक रूढ़ शब्द है कि अगर मुँह पर ताला लगा लो बोल दिया तो वो चुप हो जाएगा। जैसे कि वह तो शेर जैसा है, वो आदमी शेर तो हो नहीं सकता, लेकिन क्या है कि वो शेर मतलब वो बहादुर है, वो तो गधा है, तो वो क्या है, आदमी गधा तो हो नहीं सकता लेकिन कि वो मूर्ख है, तो उसके लिए वो शब्द रूढ़ हो चुके हैं। ये होती है हमारी लाक्षणिक शब्दावली। तो इसमें जो जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद ने विरह का बहुत ज़्यादा वर्णन किया है। विरह के इसने चार प्रकार, वियोग के वैसे तो चार प्रकार होते हैं, पूर्व राग, मान, प्रवास और करुणा, लेकिन कवि ने यहाँ पर इनका वर्णन ना करके वेदना को लिया है। दैहिक वेदना, मानसिक वेदना और निर्व्यक्तिक वेदना। दैहिक वेदना होती है कि जब शारीरिक रूप से जब प्रिय प्रिया से अलग होता है और जिसको जो कष्ट होता है वो होती है दैहिक वेदना। फिर प्रिय या प्रिया, नायक या नायिका मानसिक रूप से परेशान रहने लगते वो होती है हमारी मानसिक वेदना। निर्व्यक्तिक वेदना होती है कि व्यक्तिगत चेतना वेदना समष्टिगत होगी, अर्थात अपनी पीड़ा को विश्व की पीड़ा समझ लिया, ठीक है, अपनी पीड़ा के माध्यम से पूरे विश्व की पीड़ा को वो दर्शा दिया। तो ऐसा जयशंकर प्रसाद ने आंसू काव्य में किया है। आंसू काव्य का प्रकाशन 1925 में हुआ है और अब हम आंसू की व्याख्या करेंगे। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार सवरों में वेदना असीम गरजती। तो प्रसंग हम ऐसे ही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन आधुनिक हिंदी कविता में संकलित कविता आंसू नामक विरह काव्य से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस कविता में कवि ने प्रेम सौंदर्य मिलन और वियोग की व्यक्तिगत अनुभूतियों का मार्मिक चित्रण किया। अपने विगत प्रेम को याद करता हुआ कवि कहता है
कि इस करुणा कलित, कलित का अर्थ होता है पूर्ण हृदय में, अब विकल, विकल का अर्थ होता है बेचैन, रागिनी बजती, कि विरही कवि इन पंक्तियों में कहता है कि करुणा से आपूरित उनके हृदय में अव्याकुलता से परिपूर्ण रागिनी बजती रहती है, क्यों हाहाकार सवरों में वेदना असीम गरजती। वह प्रश्न करता है कि पता नहीं क्यों उसके हृदय में क्रंदन के से स्वर से अपार पीड़ा गर्जन करती रहती है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दीर्घ जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। अनिल का अर्थ होता है हवा, और अनल, अनल का अर्थ होता है आग। शीतल अर्थ ठंडी, ज्वाला अग्नि। तो अपने बीते हुए प्रेम को याद करता हुआ कवि कहता है कि विरह भावना के कारण उसके हृदय में एक ठंडी अग्नि निरंतर जलती रहती है। जो विरह की अग्नि है वो ठंडी अग्नि, वो हमेशा जलती रहती है। उसके आंसू ईंधन होता दीर्घ जल का, और जब अग्नि जलती है और हम एक दो छींटा पानी का लगा देते हैं तो वो आग एकदम से भड़क उठती है। तो वैसा ही यहाँ पर कवि ने कहा है कि ईंधन होता दीर्घ जल का, कि उसके वो जो वीर है कि अग्नि जल रही है उसमें क्या है, उसके आंसू इस अग्नि को भड़काने का काम करते हैं, कि होता ईंधन होता दीर्घ जल का, कि वो जब उसके आंसू आते हैं उस वो जो वीर है कि जो अग्नि जली हुई है उसमें जब फिर वो आंसू आ जाए तो वो उस अग्नि को भड़काने का काम करते हैं। यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का, यही नहीं उसकी सांसें भी तो बेकार में जा रही है। बराबर जब मेरे पास प्रिया नहीं है, मेरी नायिका मेरे पास नहीं है, तो जो ये वीर की अग्नि है ना, या मतलब वीर की अग्नि तो जल ही रही है, लेकिन जो ये सांस आने जाने का काम कर रहे हैं ये व्यर्थ है, तो सांस भी नहीं आने चाहिए। उसकी सांसें भी बेकार में चल कर ही उसकी विरह की अग्नि को हवा देने का काम कर रहे हैं, कि अगर ये सांस मैं एक बार ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ ना, ये क्या करते हैं, ये इस अग्नि को हवा दे रही है, क्योंकि हवा के बिना तो अग्नि जलेगी नहीं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सिछाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज वह बरसने आई। दुर्दिन का अर्थ होता है बुरे दिन। अपने विगत प्रेम को याद करता हुआ विरही इन पंक्तियों में कवि इन पंक्तियों में कहता है कि विरह के कारण उसके हृदय में जो घनीभूत पीड़ा थी, जो अत्यधिक वेदना उत्पन्न हो गई थी, मस्तक में समर्थी सी छाई, अब वह उसके मस्तिष्क में याद बनकर छा गई। दुर्दिन, दुर्दिन का अर्थ होता है बुरे दिन। दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उसके प्रेम की वह समर्थी आज उसके बुरे दिनों में आंसुओं का रूप धारण करके बरसने आई। ससी मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप जल छिपाए, जीवन की गोधूली में कोतूहल से तुम आए। कोतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। ससी का अर्थ होता है चंदन, गोधूली संध्या का समय। तो अपने बीते हुए प्रेम को याद करता हुआ विरही कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हे प्रियतम, ससी मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, कि तुम अपने चंद्रमा के समान सुंदर मुख। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है कि चंद्रमा के समान मुख है, ठीक है। घूंघट डाले हुए, अपने अंचल में दीपक को छिपाए हुए, मेरे जीवन की संध्या में जिज्ञासा के, जीवन की गोधूली, गोधूली मतलब जीवन की जो संध्या है, तो जीवन की संध्या में जिज्ञासा के रूप में आए, कौतूहल से तुम आए, तो जिज्ञासा से तुम आए। तो कवि अपने जीवन में आई अपनी प्रेयसी को याद करता है। बांधा था विधु को किसने, विधु चंद्रमा, एक ससी शब्द आया था चंद्रमा के लिए, अब यह विधु, विधु का अर्थ भी क्या होता है, चंद्रमा। इन काली जंजीरों, काली जंजीरों मतलब काले बाल, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। विरही कवि अपने प्रेम और सौंदर्यमयी प्रेयसी को याद करता हुआ कहता है कि उसकी प्रेयसी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर था। उस चंद्रमा के समान सुंदर मुख को पता नहीं किसने उसकी काली लटोर रूपी जंजीरों में बांध रखा था। ऐसा लगता है जैसे फणधारी मणि वाले सुंदर नागों की भांति उसका सुंदर मुख जैसे हीरो से भरा हुआ। अपने आंसू की अंजलि आंखों में भर क्यों पीता, नक्षत्र पतन के क्षण में उज्जवल होकर है जीता। नक्षत्र का अर्थ होता है सितारा।
कवि अपने मन को धैर्य बताता हुआ कहता है कि हे मन, अपने आंसू की अंजलि आंखों में भर क्यों पीता, कि तू अपनी पीड़ा को अपने मन में छिपा कर मत रख। इसका कारण है कि तुम अपनी वेदना पूर्ण आंसुओं का अपने ही हाथों में भर कर पी रहे हो। आंखों में भर क्यों पीता, कहने का तात्पर्य यह है कि तू अपनी व्यथा में अंदर ही अंदर क्यों घुलता जा रहा है। जब आकाश से कोई नक्षत्र पतन के क्षण में, जब आकाश से कोई तारा टूटकर धरती पर गिरता है, तो गिरने से पूर्व वह भी एक बार अधिक प्रज्वलित उठता है। रात को देखते हो कि तारा टूटता तो एकदम से यूं चिंगारी सी होकर और फिर बंद हो जाती है, तो वो प्रज्वल मतलब ज़्यादा जलने लगता है, तो प्रज्वलित हो उठता है और संसार को अपनी आभा से अवगत करा देता है। फिर भला तू अपनी आभा से इस विश्व को आलोकित क्यों नहीं करता, अर्थात तू भी टूटते हुए तारों की भांति एक बार अपनी पीड़ा को व्यक्त कर दे, इस पीड़ा से अपनी प्रिया को अवगत करा दे। चुन चुन ले रे कनकन से, चुन चुन और कनकन, इसमें क्या है भाई, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। चुन चुन जो शब्द मतलब बार बार आ जाए वो होता है पुनरुक्ति अलंकार। जगती की सजग व्यथाएं रह जाएंगी कहने को, जन रंजन करी कथाएं। जन रंजन करी होती हैं संसार को सुख देने वाली कथाएं। कनकन कनकन और व्यथाएं पीड़ाएं। अपने मन को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे मन, चुन चुन ले 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 रे कनकन से, तू केवल अपने ही दुख में लीन मत रह, तुझे विश्व भर के प्राणियों के दुखों की ओर भी देखना चाहिए। तू केवल अपनी ही पीड़ाओं में मत घूम, और अभी तू संसार के कण कण में व्याप्त दुख को भी अपना समझकर चुन ले। यहाँ पर है निर्व्यक्तिकतावाद, मतलब कि व्यक्ति की पीड़ा को विश्व की पीड़ा बना दे। कि अकेले की तेरी ये पीड़ा नहीं है, विश्व में भी यही पीड़ा है, हर आदमी के पास यही दुख है। तू केवल अपनी ही पीड़ाओं में मत घुल, अपितु संसार के कण कण में व्याप्त दुख को भी अपना समझकर चुन ले, अर्थात संसार के प्राणियों के दुखों को अनुभव कर और उन्हें दूर करने का प्रयास कर। संसार की समस्त व्यथाओं को अपना ही समझकर उन्हें अपनी छाती से लगा ले। यदि तू इस जगत की व्यथाओं को जन रंजन करी कथाएं, जगत की व्यथाओं को दूर करने का प्रयास करेगा, तो संसार में दुख पीड़ा व्यथाएं आदि मात्र कहानियां बनकर रह जाएंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा और फिर मात्र मनोरंजन के लिए लोग ऐसी कथाएँ कहा करेंगे। इस व्यथित विश्व पतझड़ की तुम जलती हो मृदु होली, हे अरुणे सदा सुहागिनी मानवता सिर की रोली। व्यथित का अर्थ होता है पीड़ित। कवि वेदना को संबोधित करते हुए कहता है कि हे वेदने, यह संपूर्ण संसार व्यथा गर्भित है तथा इसकी दशा पतझड़ के समान शोचनीय है। तुम इसके दुखों को और व्यथाओं के लिए तुम जलती हो मृदु होली। मृदु का अर्थ होता है कोमल। कि तुम इसके दुखों और व्यथाओं के लिए जलती हुई सुंदर होली के समान हो। कहने का भाव यह है कि संसार के प्राणियों में व्याप्त जो निरसता है और निर्जीवता है, उसको वेदना होली बनकर भस्म कर देती है। इसलिए हे अरुणे, तुम सदा सुहागिन रहने वाली हो, प्रत्येक वियोगी के हृदय में तुम्हारा निवास होता है। तुम संपूर्ण मानवता के माथे की रोली के समान पावन और सात्विक हो। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि तुम संपूर्ण मानवता को सौभाग्यवती बनाने वाली हो। हे वीर है व्यथा, तुम ही मनुष्य के हृदय में परोपकार सहानुभूति कृतज्ञता पर दुख कातरता आदि भावों का संचार करती हो। आंसू वर्षा से सींच कर दोनों ही कुल हरा हो, उस शरद प्रसन्न नदी में जीवन दरव अमल भरा। आंसू वर्षा का अर्थ होता है करुणा का जल, अमल का अर्थ होता है सोच। तो विरह वियोग से व्याकुल कवि सोचता है कि उसके आंसू रूपी वर्षा के सिंचन से उसके जीवन के दोनों किनारे ही हरे भरे हो जाएंगे। दो किनारे सुख और दुख के किनारे, दुख रूपी दो किनारे, अर्थात उसे अपने प्रेम को भी की भी प्राप्ति हो जाएगी, जिसके द्वारा उदारता पूर्ण कार्य किए जाने चाहिए। जैसे शरद ऋतु में उस शरद प्रसन्न नदी में जीवन दरो अमल भरा हो, जैसे शरद ऋतु में बहने वाली नदी में सवच जल भरा होता है, वैसे ही जीवन रूपी नदी में प्रसन्नतादायी सवचता प्रसन्नता और प्रसन्नता भरी होती है। तो यहाँ पर जो दो किनारों की बात करता है कवि, वो सुख और दुख रूपी
दो किनारों की बात करता है कि सुख और दुख में सदा समन्वय बना रहे। अब प्रश्न ये उठता है कि जयशंकर प्रसाद ने आंसू में लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है या फिर अलौकिक प्रेम की। कुछ विद्वानों ने तो इसको लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना माना है और कुछ ने इसे अलौकिक। लौकिक प्रेम के बारे में जो विद्वान कहते हैं, वो कहते हैं कि आंसू का आलंबन इस लोक का हमारे जैसा ही कोई व्यक्ति था जिससे कवि ने कभी प्रेम किया होगा। कवि को इस बात का पूरा विश्वास था कि प्रिया उसे चाहती तो है, परंतु उस निष्ठुर प्रेमी ने उसकी उपेक्षा कर दी। कवि अपने प्रेम को पाने में असफल रहा और उसका मन टूट गया होगा। प्रिया की यादें कवि के हृदय को रह रह कर याद आती हैं। जब विरह व्यथा अपनी सीमा को पार कर गई तो आंसू बनकर कवि ने इस विरह रचना की। लेकिन साथ ही जो दूसरे वर्ग के विद्वान हैं, उनका कहना है कि आंसू में उस असीम सत्ता या ईश्वर के प्रति आंसू बहाए गए हैं जो कि छायावादी कवि करते थे। छायावादी में क्या था कि हम अगर आत्मा की बात करते हैं तो भी उस परमात्मा की ही बात कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो कहता है कि जो कवि की जो प्रिया है वो उसको भगवान मान के बातें कर रहा है कि वो अपने जो आंसू बहा रहा है वो ईश्वर के प्रति है, जिसमें मिलने के लिए आत्मा युगों युगों तक छटपटाती रहती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि आंसू की विरह भावना लौकिक न होकर अलौकिक है। जिस प्रकार से आत्मा परमात्मा को पाने के लिए आंसू बहाती है, तो कवि के जो आंसू हैं वो इसी तरह के आंसू हैं। लेकिन अंत में हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो अलौकिकता का तत्व है वो आंसू का अवयव में बहुत ही कम है। ये तो एक विद्वानों की बात है कि कुछ अलौकिक मानते हैं इसको और कुछ अलौकिक। लेकिन अगर हम अपनी तरफ से देखें तो इसमें अलौकिकता जो पहला पार्ट है उसमें, पहला भाग में है, उस प्रथम संस्करण में तो इसके में लौकिकता है ही नहीं, अलौकिकता। लेकिन जो द्वितीय संस्करण है उसमें कुछ अलौकिकता का कुछ कुछ आभास होने लगता है। जहाँ कवि ने प्रतीकों का प्रयोग किया है वहाँ आलोचकों ने मनमाने अर्थ निकालने की कोशिश की है। अतः सच्चाई तो यह है कि आंसू का जो आलंबन है वो भी लौकिक है, वही हार्ड मास का बना एक पुतला है और उससे वो प्यार करता था, जिससे कि उस प्यार को उसने नकार दिया तो वो उसकी जो वीर था वो आंसू बनकर निकले। तो कवि का जो प्रेम है वो निश्चल और स्वाभाविक है, और कवि ने किसी को अपने सपनों की रानी बनाया होगा जरूर, तो उसकी वेदना का स्वर अत्यंत शांत और गंभीर है। उसने अपने असफल प्रेम पर आंसू बहाए हैं। रामनाथ शुक्ल ने भी लिखा है इस पर कि आंसू में यौन विलास के खो जाने का रोदन है, वहाँ यौवन का उन्माद उतना नहीं, यौवन का विरह है पर यौवन का काव्य नहीं। इसका एक प्रधान कारण यह भी, यह एक विरह काव्य है जो जीवन का जो सत्य और जो अनुभव इसमें प्रतिफलित हुआ है, उसे देखे बहुत दिन हो गए हैं। पुराने प्रेम पत्रों को उल्ट कर देखने पर जो इस प्रकार की हसरत आंखों में आकर झलकने लगती है वो एक व्यथा है, लंबी आह निकल जाती है और आंसू बनकर निकलने लगती है। तो जयशंकर प्रसाद ने विरह अवस्था में भी कवि के उदारतापूर्ण और मानवतावादी विचार हैं जो जयशंकर प्रसाद के, वो बिल्कुल सराहनीय हैं। सहज सरल व रोचक साहित्यिक खड़ी बोली का जयशंकर प्रसाद ने प्रयोग किया है। तत्सम व तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया। तत्सम शब्द जो शब्द हम संस्कृत से वैसे के वैसे यहाँ आए, और तद्भव जो शब्द संस्कृत से हमने हिंदी में बदल लिए। प्रसाद व माधुर्य गुण का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण का अर्थ होता है, प्रसाद का अर्थ प्रसन्नता, या काव्य को पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए वो प्रसाद गुण होता है। और माधुर्य गुण काव्य को पढ़ने और सुनने से जो मधुरता का संचार होता है या कानों को प्रिय लगने वाले जो वर्ण होते हैं वो माधुर्य गुण, उनमें माधुर्य गुण होता है। रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। रूपक अलंकार होता है जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया, वो क्या होता है रूपक अलंकार। उपमेय और उपमान क्या होता है, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। और आत्मकथात्मक शैली का कवि ने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रयोग किया है। आत्मकथात्मक शैली होती है, शैली होती है अभिव्यक्ति के ढंग को। एक तो भाषा होती है कि अपने विचारों को जिन माध्यमों से हम प्रकट करते हैं वो भाषा कहलाती है, लेकिन जिस तरह से प्रकट करते हैं अभिव्यक्ति के माध्यम को हम शैली कहते हैं। तो इसमें जो शैली है वो आत्मकथात्मक है। आत्मकथात्मक मतलब अपनी वार्तालाप, ठीक, अपनी शिवम की वार्तालाप, अपनी शिवम की कहानी जब कवि कहता है अपने मुख से तो वो आत्मकथात्मक होती है। धन्यवाद।